हीटर पंप चलाने के लिए भी आपको जो बिजली का जो गतिविधि दिख रही है, आए दिन सरकार जो ठगी करने का काम कर रही है। और सामने देख लीजिए हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली में देख लीजिए 200 यूनिट फ्री अवेलेबल, लेकिन यहाँ का क्या कंडीशन है? अगर आप बंद कर दिखे तो आओ ज्यादा बिक रहा है, आप झूठो कैसे बोल रहे, आओ ज्यादा बिक रहा है, ज्यादा जनता को भ्रमित किया जा रहा है। आप इतने साल से हैं, पिछले 35 वर्षों से आप शासन में हैं, आपके बड़े भाई छोटे भाई जिस तरह कार्य कर रहे हैं, हमारे नेता जिस तरह आए दिन संघर्ष करते आ रहे हैं, युवाओं को लेकर जिस तरह बात करते हैं, लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है? अपने आप को कायम करके चुप बनी पड़ी है। सिर्फ बोलने से हो जाएगा का, विकास पुरुष बोलने से नहीं होगा। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से 2007 तक बढ़िया काम किया, उन्होंने विकास पुरुष के नाम पर जो अपना तमगा ले रखा है सड़कों पर काम किए हैं, इसमें भी केंद्र सरकार की योगदान है, माननीय नितिन गडकरी जी का योगदान है, लेकिन राज्य सरकार ये दिन दहाड़े बच्चों को बलात्कार कर दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? पुलिस नापसंद में बैठी हुई है, DGP साहब को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जिस तरह उनको फंसाया जा रहा है या रोका जा रहा है, हमारे माननीय विकास वैभव जी जो होमगार्ड के IG है, अब इन पर मामला क्या बोला जा सकता है, ये आप देख रहे हैं। सरकार भी तक छुपी बात। लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठी है और मुद्दा क्या है? बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर के ये प्रदर्शन कर रही है और प्रदेश के लगभग तमाम जो नेता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ एक युवा है, क्या नाम हुआ आपका? राज सिन्हा। अच्छा, एक युवा के नाते अगर बिजली दर बढ़ रही है बिहार में तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या देखिए, सबसे पहले तो जितने भी नीचे तबके के जितने लोग हैं उनके पॉकेट पर सबसे पहले आप देख लीजिए, आज आप हीटर पंप चलाने के लिए भी आपको जो बिजली का जो गतिविधि दिख रही है, आए दिन सरकार जो ठगी करने का काम कर रही है। और सामने देख लीजिए हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली में देख लीजिए 200 यूनिट फ्री अवेलेबल, लेकिन यहाँ का क्या कंडीशन है? कल ही की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि रोड मैप मामले में जिसने कहा कि बिजली हम लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि आखिर कब तक इस तरह का होगा। जनता को भ्रमित किया जा रहा है, आप इतने साल से हैं, पिछले 35 वर्षों से आप शासन में हैं, आपके बड़े भाई छोटे भाई जिस तरह कार्य कर रहे हैं, हमारे नेता जिस तरह आए दिन संघर्ष करते आ रहे हैं, युवाओं को लेकर जिस तरह बात करते हैं, लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है? अपने आप को कायम करके चुप बनी पड़ी है। बिहार सरकार तो लगातार काम कर ही रही है, बिजली हर गाँव हर गली में पहुँचा दी है। हाँ, कागज पर तो खैर बहुत बढ़िया से पहुंच चुका है, लेकिन क्या हकीकत है? कागज पर कैसे पहुंचा है? आप हकीकत की बात करिए, आप जाके आज भी आप जाके देख लीजिए, पटना के कुछ ही दूरी में जाके आप देख लीजिए, अभी तक नहीं पहुंच सकी बिजली। सिर्फ बोलने से हो जाएगा का, विकास पुरुष बोलने से नहीं होगा। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से 2007 तक बढ़िया काम किया, उन्होंने विकास पुरुष के नाम पर जो अपना तमगा ले रखा है सड़कों पर काम किए हैं, इसमें भी केंद्र सरकार की योगदान है, माननीय नितिन गडकरी जी का योगदान है, लेकिन राज्य सरकार क्या कर रही है ये आपके सामने है। साथ में कैसे नितिन गडकरी का योगदान है भाई? आप देख लीजिए, साथ की बात कर रहे हैं, सड़कों का मामला जिस तरह का उन्होंने काम किया, अभी वर्तमान में जो पुल बन रही है चाहे जो भी बन रही है, केंद्र सरकार की जो फंडिंग है उसके हिसाब से कार्य कर रही है। विकास पुरुष नीतीश कुमार जी कब थे? जब माननीय RJD की जंगल राज से अलग थे तब, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट में काम कर NDA के साथ में थे तब, लेकिन आज क्या हो गया, NDA माइंडेड में बहुत बढ़िया विकास की ओर दिख रहा है, लेकिन आज क्या है, जस्ट उल्टा सब जा रहा है। अभी तो जनता की राज है बिहार में, वो तो दिख रहा है, जंगल राज 2 अब आ गई है, जंगल राज आ ही गया बिहार में। कल का ही मामले को देख लिए, दिन दहाड़े बच्चों को बलात्कार कर दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? पुलिस नापसंद में बैठी हुई है, DGP साहब को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जिस तरह उनको फंसाया जा रहा है या रोका जा रहा है, हमारे माननीय विकास वैभव जी जो होमगार्ड के IG है, अब इन पर मामला क्या बोला जा सकता है ये आप देख रहे हैं। सरकार भी तक छुपी बांधे हुए, युवा काफी परेशान है। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम चंद्र विजय साहब है। कहाँ से आए? बैकरपुर से। काहे लेके आए हैं? आए हैं अपना लेने के लिए आए हैं। और कुछ लेके आए? चिल्ले वे लाए। अरे हमको जितना आज कचरा साफ कर दीजिए, हमको दे दीजिए। बिहार में नीतीश कुमार कचरा साफ कर दिए? हाँ, खूब कर दिए, तो हम उन्हीं सब जा रहे हैं। हम सबके 10% आरक्षण था, वो ले लिए, अब मिला कहाँ? 10% आरक्षण था, वो ले लिए। हाँ, तब हम सबके पढ़ाई लिखाई में लड़कन के दे रहा था जो। अच्छा। और मार के पेट के धर दिया। अच्छा, EWS वाला आरक्षण ये? हाँ, वही सब आरक्षण हम सबके ले लिया ना। नीतीश कुमार तो काम करवे किए बिहार में? हाँ, कुछ कर रहा है, काम कर रहा है। आप बंद किए? सर आप बंद कर दिखे तो आओ ज्यादा बिक रहा है, आप झूठो कैसे बोल रहे, आओ ज्यादा बिक रहा है, उससे ज्यादा। अच्छा, हाँ, बिजली तो घर घर पहुँचाइए। बिजली घर में पहुँचा तो बिल नहीं ले रहे, हमको मुफ्त में दीजिए, फ्री में दीजिए। फ्री में कैसे देंगे? तब फ्री में देंगे तो भूखले रहेंगे, भूखले रहेंगे तो हम लोग भूखले मरे हैं। आप लोग के लिए खाना दे रहे हैं? खाना कहाँ दे रहे हैं?
नहीं दे रहे हैं। हम लोग करते थे, खाते हैं, हमको खाना कहाँ मिल रहा। कितने दिन से पार्टी में? कितना दिन से? हम बहुत दिनों से, बचपने से हम है। बचपने से रामविलास जी के साथ? हाँ हाँ, आए थे। आए के लिए हमारा रखे हुए हैं, उसमें भुके हुए हैं। हाँ, अच्छा आदमी थे। हाँ अच्छा नहीं थे, खराब तो थोड़ी। चिराग पासवान कैसे? वो भी ठीक है। हाँ है, ठीक है, वो ठीक है। पार्टी टूट गया ना? कैसे टूटने ना, दो मर रहेंगे उसी में। हाँ, पशुपति पारस नहीं जाइएगा? नहीं, हम एकरे में रहेंगे। पशुपति पारस अच्छा जी? नहीं, हम इसी में रहेंगे। विलास पासवान के भाई है ना? जी नहीं है, फिर भी हम रहेंगे इसी में। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं चाचा? क्या हम बोले सर? पशुपति पारस है अच्छा कि चिराग पासवान अच्छा? चिराग पासवान? हाँ सर, चिराग पासवान को पसंद कीजिए। हाँ हाँ, हम सपोर्ट देंगे इसी के। तो यहाँ पर जो बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई है उसके खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सड़कों पर उतरी है, और चाचा बता रहे हैं बिहार का स्थिति। इन सभी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहे जनता जनशक्ति के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।